द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया होता जा रहा है, बावजूद इसके दक्षिण भारत पे पकड़ बनाने का सपना बीजेपी छोड़ नहीं रही है। अब जब दक्षिण भारत में ही विपक्षी एकता की महाबैठक हो रही है, तो इस बैठक को कमजोर करने के लिए इस बैठक में नेताओं को डराने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। विपक्षी पार्टी ने ऐसा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। अब देखिए कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता की महाबैठक होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले तमिलनाडु में एक मंत्री के घर प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा है, ईडी का छापा। वही ईडी है जिसके निदेशक 31 जुलाई के बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक की नियुक्ति को सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि 31 जुलाई के बाद आपको नए ईडी चीफ तलाशने होंगे। सरकार ने संजय मिश्रा को जो लगातार एक्सटेंशन दिया था वो गैर कानूनी था, अवैध था। बावजूद इसके जब तक साहब पद पर हैं, कार्रवाई जारी है। तमिलनाडु के दो नेताओं को अगर इनको शामिल कर ले तो टारगेट किया जा चुका है, जांच एजेंसियां उनके पीछे पड़ चुकी हैं। इससे पहले सेंथिल बालाजी का केस आप जानते हैं कि कैसे गवर्नर साहब ने उनको पद से बर्खास्त कर दिया, जबकि उनका वह अधिकार क्षेत्र था भी नहीं। इसके अलावा अब मामला जो है कहां पहुंच गया है, दूसरे मंत्री के पास। उच्च शिक्षा मंत्री है, डीएमके पार्टी से है, स्टालिन की पार्टी से है, और इनके पार्टी के नेताओं ने यह गंभीर आरोप लगाया है कि जब ऐसे एन मौके पर खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, वहां पर महत्वपूर्ण योजनाएं एजेंडा पर काम करेंगे, तो ठीक उससे पहले विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी का दुरुपयोग शुरू किया जा चुका है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी सच में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सहारे सत्ता को हथियाना चाहती है? पिछले कितने भी केसेस आप उठाकर देख लें, चाहे महाराष्ट्र चले जाए या फिर तेजस्वी यादव पर आप जांच एजेंसियों का धावा देख लें, और महाराष्ट्र में जो कुछ भी सियासी उथल पुथल मची उसके पीछे भी जांच एजेंसियों का प्रभाव ही बताया जाता है। संजय राउत ऐसा दावा करते हैं कि जांच एजेंसियों के डर से ही शिंदे गुट जो है उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीजेपी से हाथ मिला बैठे। अजित पवार पर भी वही दबाव है। तो क्या जांच एजेंसी हर उस क्षेत्र में पहुंचने वाली है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी पैठ बनानी है? अब दक्षिण भारत से तो कर्नाटक में विदाई भी हो चुकी है। कर्नाटक में ही एकमात्र भाजपा सत्ता में हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने वो भी उनसे छीन लिया है। बाकी किसी राज्य में, दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हाँ, इक्के दुक्के विधायक हैं, सांसद कुछ हैं, लेकिन दक्षिण भारत से इसे सफाया होना ही कहते हैं। अब ऐसे में फिर से बीजेपी यह कोशिश कर रही है कि विपक्षी एकता न बन पाए, यह कैसे टूट जाए, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कैसे फिर से मजबूत हो पाए, इसके लिए ही कोशिश हो, तभी तो यह जांच एजेंसियों का कारनामा वहां भी शुरू हो चुका है। अपने स्क्रीन पर देखिए, टाइम्स नाउ नव भारत ने ही लिखा है, तमिलनाडु के एक और मंत्री के यहां ईडी का छापा, सांसद बेटे पर भी परीरेड, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जांच ईडी कर रही है। अब ईडी के निदेशक को हटाने की बात जब सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो इस पर वित्त मंत्रालय का कोई बयान नहीं आया जिनके अधीन ईडी काम करती है। यह बयान किसके तरफ से आया? गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से, कि विपक्ष के नेताओं को खुश होने की जरूरत नहीं है, वैसे तमाम लोग जो वंशागत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी बातें एक ट्वीट में उन्होंने की थी कि उन सब को ईडी निदेशक कोई भी आएगा काम वही करेगा। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये थ्रेटन करने जैसा था। और फिर देखिए कि विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध दिया गया है। तमिलनाडु में अब दूसरे मंत्री को टारगेट किया जाना क्या मैसेज देता है? जरा खबर में देखिए क्या कुछ बताया गया है कि तमिलनाडु के एक और मंत्री पर ईडी ने छापा मारा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री पोनमुड़ी और उनके बेटे के चेन्नई परिसरों पर छापेमारी की।
खबरों के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मंत्री पर छापा मारा गया है। तो ये है कि किस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है कि अगर आप विपक्ष को एकजुट होने दे देंगे तो बीजेपी को टेंशन हो जाएगी। टेंशन इस बात को लेकर कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और विपक्षी पार्टियों की बैठक देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रही है, कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी पूर्व कभी पश्चिम, हर जगह विपक्षी पार्टियां जाएंगी और जहां जहां जा रही हैं वहां वहां कई छोटे छोटे दल विपक्ष के साथ जुड़ रहे हैं। इसका फायदा यह होगा कि जो वोटों का ध्रुवीकरण हुआ करता था किसी भी चुनाव में वो कम हो जाएगा, एक सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा होगा जो बीजेपी के कैंडिडेट से फाइट करेगा और उनका साथ बाकी तमाम विपक्षी दल देंगे जो वहां पर काफी कमजोर थे लेकिन अपना वोट बैंक था, वो सब अगर साथ हो जाएंगे तो इधर उधर वोट बैंक छिटकेगा नहीं। लिहाजा ध्रुवीकरण के बल पर पार्टी बीजेपी खास करके जो वोट हासिल करती थी उस वोट पर भी ब्रेक लग जाना है और फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है। बीजेपी इस बात को अच्छे से भांप चुकी है और इसी कारण से शायद विपक्षी एकता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हालांकि छापा क्यों मारा जा रहा है इसको लेकर भी जानकारी दी गई है, पुराने फाइल खोल दिए गए हैं, ये फाइल नए नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि राजधानी चेन्नई के अलावा विलुपुरम में पोनमुडी और सिगमनी से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली जा रही है। धन शोधन का यह मामला उस समय 2007 से 2011 तक बरती गई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है जब पोनमुडी तमिलनाडु के खनन मंत्री थे, उन पर खदान लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के आरोप लगे थे। इससे सरकारी खजाने को लगभग 28 करोड़ रुपए का नुकसान होने का दावा किया गया था। अब जरा गौर कीजिएगा कि यह मामला कितना पुराना है, 2007 से 2011 का। कम से कम अगर देखा जाए तो मिनिमम 16 साल मान लीजिए 2007 से ही जोड़ते हैं तो। इतने पुराने फाइल को खोला गया है क्योंकि विपक्ष के नेताओं को टारगेट जो करना है। अब इसी कारण से विपक्ष ने आरोप भी लगाया है कि यह ठीक उस समय वक्त चुना गया है छापेमारी का जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहां मौजूद नहीं हैं, वो बेंगलुरु गए हुए हैं क्योंकि वहां तमाम दल इकट्ठा हो रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे, अखिलेश यादव भी होंगे, ममता बनर्जी होंगी और भी विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े नेता होंगे जो एक साथ एकजुट होकर एक कैंडिडेट के हिसाब से फाइट देंगे, बीजेपी से दो दो हाथ करेंगे। अब इस मामले में देखिए क्या आरोप लगाया गया है कि तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोनमुडी हाल के दिनों में ईडी के रडार पर आने वाले दूसरे डीएम के नेता हैं। इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को उनकी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद ईडी ने गिरफ्तारी किया था। अब मंत्री पोनमुडी के खिलाफ छापेमारी से केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच तल्खी बढ़ने की आशंका है। इस पर डीएमके की प्रतिक्रिया भी आई है, वो प्रतिक्रिया भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि विपक्ष ने साफ तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, ये सब साजिश है, विपक्ष को डराने की कोशिश है। इसमें लिखा गया ईडी ने यह छापेमारी उस दिन की है जब द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी का उद्देश्य पार्टी को डराना है। तो ये विपक्षी एकता को रोकने की कोशिश है, बावजूद इसके विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। मोदी जी लाख कोशिश करेंगे, अमित शाह लाख कोशिश करेंगे कि बीजेपी को दक्षिण भारत में पांव फिर से जमवा दें, इस बार इतना आसान दिखाई पड़ता नहीं है। तो फिर देखिए विपक्षी एकता की बैठक जो आज और कल तक होनी है वो सफल होती है या फिर स्थिति और भी बिगड़ती है, भारतीय जनता पार्टी अपने जांच एजेंसियों जैसे तुरुप के इक्के के सहारे विपक्ष को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इंतजार कीजिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।